देखिए, साइबर क्राइम बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है और उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार के क्राइम्स हो रहे हैं और यही कारण है कि हम लोगों ने ये सोचा कि बहुत ही स्ट्रक्चरल तरीके से, बहुत ही संस्थागत तरीके से साइबर क्राइम को हम रोक रहे हैं। आपको मालूम है कि हमने पहली बार आईजी रैंक के ऑफिसर को साइबर क्राइम को हेड करने के लिए दिया, हमने एसपी साइबर क्राइम यहाँ नियुक्त किया और आने वाले समय में हम सभी रेंज हेडक्वार्टर्स में साइबर थाने खोलेंगे। अभी हमारे पास लखनऊ और नोएडा में है, बाकी 16 जनपदों में 16 रेंजेस में हम साइबर क्राइम थाने खोलेंगे। मुझे इस बात की खुशी है ये बताने में कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2 सालों में साइबर क्राइम के केसेस रजिस्टर हुए हैं और उनमें अरेस्ट की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ जो चार्जशीट का जो हमारा नेशनल एवरेज 2017 का है उसमें भी कहीं काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह हमारा पंजीकरण की संख्या, चार्जशीट की संख्या और साथ ही साथ सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन की संख्या साइबर क्राइम्स में उत्तर प्रदेश पुलिस में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ज़रूरत है कि हम ट्रेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, ट्रेनिंग के मेथोडोलॉजी को बढ़ाएं और यही कारण है कि इस पहली वर्कशॉप में हमने साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है जो उनको टीच करेंगे, उनको शिक्षित करेंगे और दिन भर के शायद इस वर्कशॉप में बहुत सारी चीज़ों पर मंथन होगा और उस पर क्लासेस होंगे। साथ ही साथ हम इस प्रकार के वर्कशॉप जो हैं कई जोन्स में भी करने की सोच रहे हैं, ये आज शुरुआत है।